Everyone wants to change their life in a positive way. You can see the change in your life in National Year 5. नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव। मेरा नाम समिता सिंह है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबसे चर्चा करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 5 के बारे में। ऑलरेडी मैं पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, पर्सनल ईयर 3 एंड पर्सनल ईयर 4 के बारे में बता चुकी हूँ। ये पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं दोस्तों, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पहले का वीडियो, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 11 मई, तो 1+1+2+5+7 एंड 2023 को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल आ जाता है 14। फिर हम उसे वन डिजिट पे लाएंगे, 1+4=5। अब पर्सनल ईयर 5 कैसा रहेगा, ये कैसा प्रभाव लेके आता है दोस्तों, ढेरों सारा ब्लेसिंग्स लेकर के आया है ये पर्सनल ईयर 5, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है। दोस्तों, आपने बहुत दिनों से सोचा था कि मुझे ये घर चाहिए, पर्सनल ईयर 5 दे के जाएगा। आपने सोचा था मुझे कार चाहिए, पर्सनल ईयर 5 देके जाएगा। आपने सोचा था कि अब लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मुझे चेंज चाहिए, मुझे एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना है, तो पर्सनल ईयर 5 आपको सब कुछ देगा जो आपने सोचा है। हो सकता है कि पर्सनल ईयर 5 में बहुत ज्यादा आपको ट्रेवल करना पड़े, एक जगह से दूसरे जगह आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आप सिटी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप घर को भी चेंज कर सकते हैं। आपको वो चीजें भी मिलेगी जो आपने सोचा नहीं था। ये गेन का ईयर है दोस्तों। ऋषि सुनक 2022 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के। उनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 मई। जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं तो पर्सनल ईयर 5 आता है। 1+2+3+5+8+6 पर्सनल ईयर 5 में यूके के प्राइम मिनिस्टर बने। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि पर्सनल ईयर 5 आपको लॉसेस नहीं देंगे, आपको गेन कराएंगे। आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से, पर्सनल ईयर 5 आपको इंक्रीमेंट करवाएगा। दोस्तों, आपके विचारों में भी परिवर्तन आएंगे, देखेंगे कि लोगों का बिहेव आपके प्रति चेंज हो गया, लोगों की विचारधाराएं आपके प्रति चेंज हो गई। दोस्तों, कहते हैं ना, कोई साल हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देके जाता है और कोई साल ऐसा आता है कि बहुत कुछ देके जाता है। ये पर्सनल ईयर 5 आपको बहुत कुछ देके जाएगा। लेकिन आपको एक चीज देखना है कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है जो आपके मूलांक और भाग्यांक के लिए कंपेटेबल नहीं है, तो हो सकता है कि आपको वहां परेशानी है। अगर आपके मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग वो वर्क कंपेटेबल है, तो निश्चित रूप से आप अपने पर्सनल ईयर 5 में ग्रो करेंगे ही करेंगे, सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, आप अगर अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पर्सनल ईयर 5 आपको कराएगा। आप अपने एजुकेशन को ऐड करना चाहते हैं, पर्सनल ईयर 5 आपको करवाएगा। आपके रुके हुए काम थे वो आपको देख के जाएगा। अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है तो पर्सनल ईयर 5 आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। दोस्तों, पर्सनल ईयर 5 एक अमेजिंग ईयर होता है, आपको बहुत कुछ गेन कराता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पर्सनल ईयर 5 में कुछ काम स्टार्ट करें क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप गेन ही करेंगे, लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी को शादी करनी है तो पर्सनल ईयर 5 करवाएगा। अगर किसी को बेबी चाहिए तो हो सकता है कि पर्सनल ईयर 5 में आपको बेबी मिल जाए। हो सकता है आप नए जॉब स्टार्ट करने की सोच रहे थे, नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे थे, पर्सनल ईयर 5 आपको करवाएगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर मुझसे आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ शो हो रहा है, आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।